हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग TF-A T295, सैमसंग TF-A T295 FRB बाईपास। तो आप लोगों को नेक्स्ट कर लेना है। तो आप लोग देखिए, ये अभी पैटर्न मांग रहा है, तो ईमेल आईडी भी मांग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली इसके अंदर डाटा केबल को कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को आ जाना है अपने लैपटॉप का स्क्रीन पर। तो आ जाने के बाद आप लोगों को एक टूल डाउनलोड कर लेनी है, जो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा, इजी सैमसंग FRB टूल। तो आप लोग देख सकते हैं इजी सैमसंग FRB टूल। तो आप लोगों को इसको ओपन कर लेनी है। तो इस टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है। तो टैप करने के बाद आप लोगों को यस कर लेना है। तो यस कर लेने के बाद आप लोग देखिए आ गया। तो आप लोगों को FRB, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर FRB पर क्लिक करने के बाद ओके कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तो इसमें कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ देर इंतज़ार कर लेने के बाद अभी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो आप लोग देखिए आ गया। तो आ जाने के बाद आप लोगों को व्यू पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को कोई यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को होम पर टैप करना है। होम पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स ओपन कर लेनी है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को टैप कर लेना है VN Room। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ, VN Room FRB। तो आप लोग देख ही सकते हैं VN Room FRB बाईपास ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को पहला साइट ओपन कर लेनी है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सैमसंग अकाउंट डाल देने होगी। तो अभी मैं इसके ऊपर सैमसंग अकाउंट डाल रहा हूँ। तो अभी मैं इसका पासवर्ड डालने जा रहा हूँ, इसलिए हाइड कर दिए। तो आप लोगों को साइन अप पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को अलाउ कर देने। आप लोग देखिए सैमसंग अकाउंट ओपन हो गया। हो जाने के बाद आप लोगों को मैं और एक बार चेक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को बैक करके आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को गैलेक्सी स्टोर ओपन कर लेने हैं। तो ओपन कर लेने के बाद अभी तो ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं और एक बार ओपन कर लेती हूँ। तो अभी भी ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं अभी इसको बैक करता हूँ। बैक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है FIX, उसके बाद F। तो आप लोगों को ये साइट को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों को पहला वाला, तो आप लोगों को iOS लॉन्चर पे टैप करना है। आप लोग देखिए आ गया। तो आप मैं इसको इंस्टॉल एंड ओपन पर टैप किया। तो आप लोग इस टिप के माध्यम से कोई भी सैमसंग एंड्रॉयड 8, 9, 10, 11, 12, 13 बहुत आसानी से FRB बाईपास कर पाएंगे, ऑल सैमसंग फोन इस टिप के माध्यम से। तो आप लोग देखिए iOS लॉन्चर ओपन हो गया। तो ओपन हो जाने के बाद अभी मैं कुछ देर इंतज़ार कर लेती हूँ। तो अभी ये ठीक से ओपन नहीं हुआ। तो मैं एक बार स्क्रीन ऑफ ऑन कर लेती हूँ।
उसके बाद तो आप लोग देखिए आ गया। आ जाने के बाद आप लोगों को सर्च पर टैप करना है। सर्च पर टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को ये जो अकाउंट है आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोगों को अदर्स एक सैमसंग फ़ोन ले लेनी है। तो लेने के बाद वहाँ पर आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद ही ये जो ऑप्शन जो है मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आप लोग देखिए ऐसे अदर फोन में कर लेना है। तो कर लेने के बाद आप लोगों को उस फोन में भी एक ही आप लोगों को सैमसंग अकाउंट होना चाहिए। आप लोगों को उस फोन में भी एक ही सैमसंग अकाउंट होना चाहिए। इस फोन में जिस सैमसंग अकाउंट हो तो आप अदर फोन में भी उस सैमसंग अकाउंट होना चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों को आ जाना है एडिशनल सेटिंग पे। जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है नो। तो मैं यहाँ पर नहीं बैक करता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन को ओपन कर लेनी है। तो आप लोगों को ऐसा आ जाएगा। तो आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नहीं, आप लोगों को ऊपर इसमें, तो आप लोगों को सब कुछ को कट कर देना है। आप लोगों को सिर्फ 3i को ओपन रखना है। तो आप लोगों को बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोगों को जाना है अकाउंट पर। तो आप लोग इसको आप लोग अपनी हिसाब से लेना है। आप लोगों को दोनों को एक साथ टैप करना है। ये जो है बैक रिकवर डाटा एंड इसको आप लोगों को दोनों को एक साथ टैप करना है। मैं इसमें एक हाथ से तो इसलिए बहुत दिक्कत आ रहा है, तो अभी आया नहीं, मैं और एक बार ट्राई करता हूँ आप लोगों को दोनों को एक साथ। तो आप लोग देखिए आ गया। तो आप लोगों को बैक करना है। तो बैक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को सिर्फ दो दो एप्लीकेशन को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। एक है ये और ये दोनों ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। तो आप लोगों को डन कर देना है। कर देने के बाद रिकवर पे टैप करना है, इंस्टॉल पर टैप करना है। तो आप लोग देखिए ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग देखिए हो गया। हो जाने के बाद आप लोगों को बैक करके होम पेज पे आ जाना है। होम पेज, तो होम पेज पे आ जाने के बाद आप लोगों को होम पेज पे आ जाने के बाद आप लोगों को सर्च बॉक्स पे टैप करना। आप लोग देखिए आ गया। तो आप लोगों को पहले आप लोगों को ओपन कर लाना है, कर लेना है नोटिफिकेशन ब्लार को। तो ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को इसको इनेबल कर देना है। दो परमिशन है तो आप लोग इस दोनों को इनेबल कर देना है। तो आप लोगों को इनेबल कर देने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोगों को पहले अपने वाईफाई को ऑफ कर लीजिए। ऑफ कर लिया तो उसके बाद आप लोगों को इस ऐप को ओपन कर लेनी है। आप लोगों को अलाउ कर देना है। देने के बाद आप लोग देख सकते हैं। ओहो, तो आप लोग इस फोन के अंदर सिम कार्ड हो तो आप लोग सिम कार्ड को भी रिमूव कर लीजिए। तो मैं पहले इसका सिम कार्ड को रिमूव करना भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले इसका सिम कार्ड को रिमूव कर लेती हूँ। तो आप लोग तो पहले से इस सिम कार्ड को रिमूव कर लीजिए। तो कर लेने के बाद आप लोगों को और एक बार ट्राई करना है। आप लोग देखिए आप लोगों को टिक मार करके ओपन कर देना है। देने के बाद आप लोग देखिए आप इसका वाईफाई ओपन कर लीजिए।
तो ओपन कर लेने के बाद आएगा आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप लोग देखिए आगे आप लोगों को सर्च बॉक्स पे टैप करना है, उसके बाद आप लोगों को टैप करना है SETUP। तो आप लोग देखिए आगे आप लोगों को पहले वाला इसको डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद आप लोगों को क्लियर डाटा कर लेना है, उसके बाद बैक करना है। और है कि इसको भी आप लोगों को क्लियर डाटा कर ले ये नहीं है, तो आप लोगों को बैक करना है। बैक तो बैक आप लोग देखिए FRB रिमूव हो गया, बहुत आसान टिप है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोन बहुत आसानी से FRB रिमूव हो गया। तो फ्रेंड बाय, चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैं इसका एंड्रॉयड वर्जन अभी चेक करता हूँ कितना है, आप लोग देखिए 10। आप लोग कोई भी सैमसंग फ़ोन को इस तरह के एफ आर पर